बिग बॉस सीजन 14 के घर में देबोलीना भट्टाचार्जी गोपी बहू की एंट्री हो चुकी है और साथ ही साथ विकास गुप्ता भी आए हैं बिग बॉस सीजन 14 के घर में। देबोलीना भट्टाचार्जी ने आते ही रूबीना दिलैक को एक प्यारा सा हक किया और साथ ही साथ उनके बारे में बिग बॉस सीजन 14 के घर के बाहर जो चल रही है उस सारी की सारी बातें उनसे शेयर किया देबोलीना भट्टाचार्जी ने और साथ ही साथ बड़ी सलाह भी दी है देबोलीना भट्टाचार्जी ने रूबीना दिलैक को। कौन सी बड़ी सलाह दी है और साथ ही साथ कौन सी बड़ी नसीहत दी है आज के खास रिपोर्ट में हम आपको यही बात बताने वाले हैं और साथ ही साथ इस बड़ी सलाह से रूबीना दिलैक को भी काफी मोटिवेट होंगी रूबीना दिलैक और साथ ही साथ काफी मोटिवेट होते हुए दिखाई दी लाइव फीड में भी रूबीना दिलैक और साथ ही साथ देबोलीना भट्टाचार्जी लाइव फीड में अधिकतर समय जो है एक दूसरे के साथ दिखाई दिए। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि देबोलीना भट्टाचार्जी के साथ साथ विकास गुप्ता की भी एंट्री हुई है जिन्होंने भी देबोलीना भट्टाचार्जी और विकास गुप्ता ने दोनों ने मिलकर रूबीना दिलैक के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। अब देबोलीना भट्टाचार्जी ने सबसे पहले ये कहा है कि बिग बॉस सीजन 14 के घर के बाहर आप काफी अच्छी और पॉजिटिव दिखाई दे रही है और साथ ही साथ आपको स्ट्रांग रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने की जरूरत है क्योंकि फिनाले होने में सिर्फ और सिर्फ 5 हफ्ते ही बच गए हैं और साथ ही साथ 5 हफ्ते बहुत ही कम समय है और साथ ही साथ आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दो और साथ ही साथ बहुत स्ट्रांग लगो और आपके जो फैंस हैं जो कि आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं उनको आप निराश नहीं करोगे। और साथ ही साथ देबोलीना भट्टाचार्जी ने एक बड़ी सलाह भी दी है। कौन सी बड़ी सलाह दी है तो हम आपको बता दें कि एली गोनी से दूर रहने को कहा है रूबीना दिलैक को देबोलीना भट्टाचार्जी ने। हम आप सभी दर्शकों को बता दें कि एली गोनी जैस्मिन बसीन के इविक्शन के बाद पूरी तरह से बदल गए हैं, राहुल वैद्य के साथ अधिकतर समय जो है वो बिताते हुए दिखाई देते हैं, रूबीना दिलैक के बारे में चुगली करते हैं, रूबीना दिलैक के बारे में बहुत सारी गंदी बातें बोलते हैं। तो ये सारा का सारा जो खेल है देबोलीना भट्टाचार्जी ने अच्छी तरह से देखा है, समझा है और साथ ही साथ अपने ट्विटर अकाउंट पर कई बार जिक्र भी किया है कि एली गोनी काफी नेगेटिव जा रहे हैं, जैस्मिन बसीन तो थी ही नेगेटिव। ये सारी की सारी बातें देबोलीना भट्टाचार्जी ने बिग बॉस सीजन 14 के घर के बाहर से ही ये सारी की सारी बातें बताई, ट्वीट के जरिए आप सभी दर्शकों को बताया है। और साथ ही साथ देबोलीना भट्टाचार्जी बिग बॉस सीजन 14 के घर में आने के बाद भी रूबीना दिलैक को यही बड़ा सलाह दे रही हैं कि एली गोनी से आप दूर रहें और साथ ही साथ आप काफी स्ट्रांग हो और भी ज्यादा आपको स्ट्रांग लगने की जरूरत है और फिनाले होने में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन का वक्त बच गया है। प्रॉक्सी बनकर आई है देबोलीना भट्टाचार्जी एजाज खान की। वेल दोस्तों आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही।